स्ट्रीट लाइन में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आजाद। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुद्धन असेंबली सेगमेंट से जो विनर कैंडिडेट जावेद इकबाल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बड़ा मार्जिन आपने लिया है और कितना बड़ा मुकाबला था और आज लोगों ने मतदान दिया है, तो कैसे देखते हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत। एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था क्योंकि मेरे सामने एक बड़े टफ कैंडिडेट थे जो पिछले दो बार MLA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके वालिद साहब भी 5 बार MLA रहे हैं। उनसे सीट छीनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का बहुत तावन रहा है। सभी लोग, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें फ़िरका परस्ती ख़त्म हुई है। इसमें गुज्जर पहाड़ी सब लोग एक पेज पे रहे हैं, हिंदू बरादरी भी हमारे साथ रही है, हमारे साथ एक गुलदस्ता रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है। जावेद साहब, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हुई भारतीय जनता पार्टी की, आपने भी बड़ा ही प्रदर्शन किया, क्या आपको लगता था कि इतना बड़ा मार्जिन आप लेंगे? इंशाल्लाह, मुझे होप थी, मुझे उम्मीद थी कि इतना मार्जिन हमारा होगा। तो अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे चौधरी जुल्फकार अली, उन्होंने भी ट्वीट किया और आपको मुबारकबाद दी है, तो कितनी कठिनाइयां आने वाले समय में आपको रहेंगी क्योंकि काफ़ी देर के बाद इलेक्शन हुए, लोगों की बड़ी ख्वाहिशात हैं, तो कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें ग्राउंड जीरो से काम करना है। सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पूरे खिता में देखी जाए या पूरी स्टेट में देखी जाए तो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, हमें ग्राउंड जीरो से काम शुरू करना है और बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल चौधरी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके बावजूद लोगों ने एक बड़े वसी लेवल पर जो है इन्हें वोट दिए हैं और लोगों का जो प्यार है आने वाले समय में ये डेवलपमेंट के काम ऐसे करेंगे, लोगों की बेहतरी के काम करेंगे, तरक्की के काम करेंगे, जिस तरह जावेद इकबाल चौधरी ने साफ तौर पर कहा है।